Hello students, today our topic is HTML. In this lecture we are going to discuss about tables used in HTML. In our last video already discussed some concept related to HTML table, such as some attributes and some tags which are very essential to draw a table in HTML. In this lecture we are going to discuss about header footer used in HTML tables and the concept of nested tables. So students, let's start. अभी तक स्टूडेंट हम क्या कवर कर चुके हैं, हम बेसिकली जितने भी टेबल के मेन मेन टैग्स हैं वो सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। टी फुट, टी हेड और टी बॉडी को आज हम समझेंगे किस तरीके से टेबल के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग की रिक्वायरमेंट होती है। टेबल के अंदर हमें टी आर टैग मेंशन करना पड़ता है इनसाइड द टेबल टैग एंड देन आफ्टर टी डी। टी आर का मतलब होता है टेबल लो और टी डी मीन्स टेबल डेटा। सो ये हमको मेंशन करना होता है, टेबल लो एंड टेबल डेटा, क्लियर। एंड देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है। बॉर्डर टेबल का एक असेंशियल एट्रीब्यूट है और वो इसीलिए क्योंकि अगर आप बॉर्डर मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर की वैल्यू जीरो होती, इट मींस टेबल बॉर्डर विजिबल नहीं होगा स्क्रीन पर। टेबल तो क्रिएट होगी पर बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि हम कॉलम्स का नेम हमको देना होता है और हम ये चाहते हैं कि कॉलम का नेम थोड़ा हाईलाइट हो, नॉर्मल डेटा से थोड़ा अलग तरीके से दिखाई दे, तो हम टी एच टैग का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ द टी डी। ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे अपने कल के वीडियो में, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक फाइल बनाते हैं, पी के एस डेस्कटॉप पर ही फाइल बनाई, नोटपैड की फाइल है। यहाँ हमने अपना प्रोग्राम लिखा, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको एक फाइल सेव एज द्वारा करेंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज में इसको एचटीएमएल की फाइल के फॉर्म में सेव करेंगे। तो मैं फाइल में सेव एज में गए, फाइल का नेम सेम रखते हैं, लोकेशन भी सेम रखते हैं, टाइप चेंज कर देते हैं pks.html, क्लियर। सेव कर दिया हमने यहाँ पर इसको, ऑल फाइल्स में गए और ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हम यहाँ इसको रन करा के देखते हैं। ये हमने रन कराया, ठीक है, और ये देखिए आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है रमेश रमन और सब्बीर हुसैन नेम है, 5000 7000 उनकी सैलरी है। और नेम और सैलरी को आप देखिए, वो नॉर्मल डेटा की तरह अपीयर नहीं हो रहे जैसे रमेश रमन और सब्बीर हुसैन है, वो बोल्ड में है और सेंटर में है, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है या ये इसका मेन पर्पज़ रहता है टी एस टैग को यूज़ करने का। अगर हम टी डी में लिखते तो फिर ये भी नॉर्मल डेटा की तरह ही शो होता। नेक्स्ट चलिए अपने मेन आज टॉपिक पर आते हैं और वो हमारा टॉपिक था नेस्टेड टेबल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले टी टेबल हेडर, टेबल फुटर और टेबल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे वर्ड में आपको हेडर फुटर का ऑप्शन दे रखा होता है और आप हेडर फुटर मेंशन करते हैं, ठीक है, ऐसी इसी तरीके से अगर आप टेबल के अंदर भी ये चाहते हैं कि हेडर हो, फुटर हो, टेबल का मेन कंटेंट है बॉडी हो, तो आप टी हेड, टी फुट और टी बॉडी के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये थ्री टैग्स हैं इनसाइड द टेबल टैग जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप हेडर फुटर को बना सकते हैं और साथ में अगर आपको इसका कंटेंट लिखना है तो टी बॉडी टैग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप टी हेड, टी फुट और टी बॉडी को यूज़ करें तो हमेशा टी हेड और टी फुट को टी बॉडी से पहले यूज़ किया जाएगा, ऑलवेज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और सबसे लास्ट में टी हेड और टी फुट के बाद में हम टी बॉडी को करते हैं। टी फुट, टी हेड टैग का पर्पज़ है टेबल का हेडर क्रिएट करना। तो टी हेड के आगे लिखा भी हुआ देखिए आप, टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल हेडर। टी फुट का जो ऑब्जेक्टिव वो है टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल फुटर, उसका एक टेबल फुटर बन जाएगा। और जो टी बॉडी है उसके अंदर मेन कंटेंट रहेगा टेबल का, टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। तो जो भी टेबल की मेन बॉडी है उसका जो भी कंटेंट है वो टी बॉडी के अंदर शो होगा, तो ये याद रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टी हेड और टी फुट में हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जब कभी भी हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और उसकी एक खास वजह है, ख़ास वजह ये है कि देखिए जब हेडर होगा तो आप ये चाहेंगे कि जो हेडर है कम्प्लीटली वो एक सेल में दिखाई ना दिखे, वो जितने भी सेल हैं उस रो के उन सभी में वो हेडर का कंटेंट दिखाई दे। तो हम कॉलम वाइज सेल्स को मर्ज करते हैं और चूंकि हमें कॉलम वाइज सेल को मर्ज करना है इसलिए हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम टी हेड, वो सॉरी कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, और जितने भी सेल्स होंगे उनको मर्ज कर देंगे। अगर वो 4 है तो हम लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 4, 3 है तो कॉल स्पैन इक्वल टू 3 लिखेंगे,
सेम कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं टी फुट के थ्रू। तो टी फुट में भी हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और हम डिफरेंट सेल्स को मर्ज करते हैं कंटेंट दिखाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हम देख लेते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। हेडर बनाने के लिए टी हेड, फुटर के लिए टी फुट, और मेन कंटेंट ऑफ द टेबल के लिए आपका टी बॉडी टैग यूज़ किया जाता है। इनसाइड द टेबल टैग, ये TLT के अंदर इंप्लीमेंट होंगे। उसमें भी आपके टी हेड और टी बॉडी को टी हेड और टी फुट को टी बॉडी से पहले मेंशन किया जाएगा, याद रखिएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई वो ये कि हम टी हेड और टी फुट में जनरली हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। देखिए ब्लू कलर में लिखा भी हुआ है टी फुट एंड टी हेड टैग शुड बी अपीयर बिफोर टी बॉडी। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। टी हेड है, ठीक है। अब टी हेड के अंदर हेडिंग के अंदर होगी तो रो होगी, ठीक है। और रो के अंदर चूँकि हमें कॉलम सेल्स को मर्ज करना है कॉलम वाइज, तो टी डी के अंदर हम कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4 लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि टी हेड के अंदर आपको कॉलम्स को मर्ज करना होता है, ठीक है। तो हमने भी कॉलम को मर्ज किया। देखिए कॉल स्पैन एट्रीब्यूट टी डी का है, तो टी हेड जब हम टेबल का एक अलग से पार्ट बना रहे हैं, हेडर पार्ट बना रहे हैं, तो उसमें भी रो होंगी और उसमें भी डेटा होगा। तो रो होगी तो टी आर यूज़ करेंगे, डेटा होगा तो टी डी यूज़ करेंगे, ठीक है। जनरली एक ही रो होती है, कॉलम एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हमें मर्ज करना पड़ेगा कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के थ्रू। इसमें हमने 4 कॉल स्पैन की वैल्यू इसलिए दी क्योंकि हम 4 सेल्स को कॉलम वाइज मर्ज कर रहे हैं इसके अंदर। इसी तरीके से टी फुट के अंदर हमने कॉलम्स वाइज हमें सेल्स को मर्ज करना है, तो हमने कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4 यहाँ भी दिया है और एक ही रो क्रिएट किए। और जैसे मैंने बताया कि टी हेड और टी फुट को पहले लिखते हैं, टी बॉडी को बाद में, तो देखिए टी बॉडी इसके बाद में लिखा गया। तो 4 सेल्स थे तो एक ही रो में हमने 4 सेल्स के डेटा को मेंशन किया है। फर्स्ट सेल का डेटा है सेल 1, सेकेंड का सेल 2, थर्ड का सेल 3, फोर्थ का सेल 4, और फिर टी बॉडी को क्लोज़ किया, देन टेबल को क्लोज़ किया, एंड देन आफ्टर बॉडी को क्लोज़ किया। तो ये सिंटैक्स है, सिंपल सा सिंटैक्स है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी समझने में आपको। बस ये बात याद रखिएगा कि हेडर फुटर टेबल का ही एक पार्ट है, उसमें भी रो होंगी, उसमें भी डेटा होगा। जनरली होता ही है कि हम डेटा को मेंशन करते समय कॉलम वाइज सेल्स को मर्ज कर लेते हैं हेडर फुटर में, बस ये याद रखिएगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि टी हेड और टी फुट को टी बॉडी से पहले लिखा जाएगा, टी बॉडी को सबसे बाद में लिखा जाएगा, टी हेड और टी फुट को टी बॉडी से पहले लिखा जाएगा, याद रखिएगा ये, क्लियर। अब देखिए चूंकि 4 सेल थी इसलिए टी बॉडी के अंदर 4 टाइम्स हमने टी डी को यूज़ किया है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4। और भी अगर इसके अंदर रो इंसर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, फिलहाल मैंने एक ही रो इंसर्ट किया। आप टी बॉडी के अंदर तो कितनी भी सेल, कितनी भी रो हो सकती हैं, तो एक ही रो है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कॉन्सेप्ट को एक रो को ही यूज़ किया गया। तो आई थिंक अभी ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा आपको। और ये आपने नोटिस किया होगा कि ये सब किसके टैग हैं, ये टैग सभी किस टेबल के किस टैग के अंदर लिखे गए, ये सभी टेबल टैग के अंदर लिखा गया है। आप देखिए ऊपर टेबल टैग है ना, टेबल बॉडी इज इक्वल टू 1 विथ इज इक्वल टू 100%, तो उसके अंदर ही आप टी हेड, टी फुट और टी बॉडी को मेंशन करेंगे। टेबल टैग के साथ हम जनरली बॉर्डर एट्रीब्यूट को तो यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे तो बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू बॉर्डर की 0 होती है, तो 0 पर तो बॉर्डर विजिबल नहीं होगा, तो टेबल वाला लुक नहीं आएगा इसके अंदर। जब बॉर्डर ही नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि टेबल है, इसलिए बॉर्डर इज इक्वल टू 1 हमेशा लेते हैं। क्वेश्चन में मेंशन हो ना हो डजंट मैटर, आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ हमेशा कीजिए। विथ हमने 100% ले लिया इसकी, समझाने के लिए थोड़ा सा इसको। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो टी हेड टू फिट और टी बॉडी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई याद रखिएगा। टेबल टैग के अंदर आपको टी हेड, टी फुट और टी बॉडी को लिखना है, टी हेड और टी फुट को बॉडी टी बॉडी से पहले लिखना है, टी फुट और टी हेड में आपको इसके अंदर आपको जो भी आप डेटा देंगे टी डी के थ्रू, वहाँ आप कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ आपको करना होता है जनरली। वो इसलिए क्योंकि हेडर होगा, आप ये चाहेंगे हमेशा हेडर एक लाइन में हो, फुटर का जो कंटेंट है वो भी एक लाइन में हो, तो उस लाइन के अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं कॉलम वाइज उनको मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करना पड़ेगा तो उसके लिए एक ही एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन।
अगर आपको कॉल स्पैन के बारे में या रो स्पैन के बारे में अगर कुछ डाउट है तो लास्ट वीडियो जो कल का वीडियो था 7 जून का, उसको जाके देखिए, उसमें डिटेल में समझा रखा है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर? ये हमारा प्रोग्राम था और अभी तक हम जितने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसमें अभी आज के लिए हमारे पास दो ही टॉपिक हैं, एक तो टी हेड टी फुट हेडर फुटर का और एक आपका नेस्टेड टेबल का। तो नेस्टेड टेबल पर जाने से पहले इसको एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं प्रोग्राम को, तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से दिखता है प्रोग्राम रन होगा। ये नोटपैड की फाइल है, यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया प्रोग्राम को। सेव एज करेंगे एचटीएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए, पहले से सेव था तो हमने इसको क्रिएट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया हमने इसको। ये देखिए अब आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पर कि किस तरीके से प्रोग्राम ये आपका टी हेड और टी फुट और टी बॉडी शो हो रहे हैं। जो आपकी फर्स्ट रो है उसके अंदर दिस इज़ द हेड ऑफ़ द टेबल लिखा हुआ है, लास्ट रो इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ द फुट ऑफ द टेबल, और जो मिडिल है उसमें सेल वन सेल टू सेल थ्री सेल फोर, फोर डिफरेंट सेल्स दे रखे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने हेडर बनाया है फुटर बनाया है, तो जो हेडर है उसका कंटेंट है दिस इज़ द हेड ऑफ़ द टेबल, फुटर का कंटेंट दिस इज़ द फुटर ऑफ़ द टेबल, और इन बिटवीन उसके टी बॉडी का कंटेंट दे रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट था, आपको आई थिंक अब समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बात करते हैं नेस्टेड टेबल की। नेस्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है? नेस्टेड टेबल को पहले समझिए कि नेस्टेड टेबल है क्या। टेबल इनसाइड ए टेबल, टेबल के एक अंदर टेबल अगर आप क्रिएट कर दें तो उसी को नेस्टेड टेबल बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है इसमें, कोई टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको ये है कि हमें टेबल के अंदर एक और टेबल क्रिएट करनी है, एक से ज़्यादा उसके अंदर भी एक और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब टेबल के इनसाइड अगर एक और टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं तो नेस्टेड टेबल होगा। अब आप वो कितना भी कहाँ तक भी जा सकते हैं, उसके अंदर भी एक और टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। लेकिन हाँ, दो टेबल इस तरीके से क्रिएट की गई हो कि एक टेबल दूसरी टेबल का ही एक पार्ट हो तो उसे हम नेस्टेड टेबल बोलते हैं। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इसके लिए कोई अलग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आपको करना ये है कि आपको नॉर्मली अपनी एक टेबल बनानी है, और जो आपकी मेन टेबल है, देखिए हमने एक मेन टेबल बनाई है जिसे हम पेरेंट टेबल बोलेंगे, येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। इसमें टेबल बॉर्डर इजिकल टू वन विथ इजिकल टू 100%, उसके एट्रीब्यूट ले लिए, उसमें एक रो क्रिएट की टी आर, और टी आर के अंदर और नॉर्मली हमको एक डेटा डिक्लेयर करना होगा टी डी। अब यहाँ टी डी जब आपने लिखा है तो यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ आप डेटा मेंशन मत कीजिए, यहाँ डेटा की जगह आप इसके अंदर एक और टेबल क्रिएट कर दीजिए। और टेबल कैसे क्रिएट होगी? जैसे होती है टेबल टैग के थ्रू। तो लिखा हमने टेबल बॉर्डर इजिकल टू वन विथ इजिकल टू 100%, डेटा की जगह बस आपको टेबल लिखना है, इतना काम कर दीजिएगा। तो जब आपने ऐसा कर दिया तो उस टेबल का अपना एक कंटेंट होगा, उसकी अपनी हेडिंग होगी कॉलम्स की, उसका अपना एक नेम होगा, उसका अपना एक डेटा होगा, ठीक है। तो वो डेटा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। तो येलो कलर जो है वो पेरेंट टेबल है, और जो ग्रीन कलर में जो हमने कंटेंट लिखा वो चाइल्ड टेबल का कंटेंट है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट टेबल में जो टी डी की जगह हमें डेटा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, हम एक और टेबल क्रिएट कर देंगे, तो वो जो चाइल्ड टेबल होगी तो वो आपका पेरेंट टेबल का पार्ट होगी ऑब्वियसली, और तो उसकी थ्रू हम नेस्टेड टेबल के कॉन्सेप्ट को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका अपना एक अलग डेटा होगा, जैसे इसका डेटा है भी, ठीक है, उसका अपना एक अलग बॉर्डर, उसकी अपनी विथ हो सकती है, उसकी अपनी हेडिंग, जो चाइल्ड टेबल है उसकी अपनी हेडिंग कॉलम्स के नेम्स, उसका अपना एक डेटा पर्टिकुलर होगा। तो वो आपको नॉर्मल एक टेबल जैसे आप क्रिएट करते हैं वैसे एक टेबल क्रिएट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप नेस्टेड टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए नेस्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, नेस्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट सिंपली सा इतना है कि आपको एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल क्रिएट करनी है, ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको करना ये है कि जो पेरेंट टेबल है उसके टी डी टैग में आपको एक और टेबल डिक्लेयर कर देनी है, जैसे मैंने यहाँ कर दी। अब जब टेबल डिक्लेयर होगी तो टी डी को क्लोज कर देंगे। याद रखिए टी डी के अंदर मैंने कोई डेटा नहीं लिखा, मैंने एक और टेबल डिक्लेयर कर दी जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया इसको यहाँ पर, क्लियर। तो ये टेबल डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद टी आर को क्लोज कर दिया, ठीक है, एक ही डेटा था
ऊपर टी आर देखिए, तो इसको टी आर को क्लोज़ कर दिया। टी आर को भी तो क्लोज़ करना होगा, टी आर का मतलब है रो। एक ही रो थी टेबल के अंदर और उसमें एक ही टी डी था, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा उसके बाद टेबल टेक को क्लोज़ करेंगे और टी बॉडी को, और देन आफ्टर टी बॉडी सॉरी बॉडी को, उसके बाद लास्ट में एस टेबल को, तो हमारी नेस्टेड टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप इसमें ये चाहते हैं कि कोई एक और रो हो पेरेंट टेबल का जो पार्ट हो, तो आप एक और रो क्रिएट कर दीजिए, आपकी चॉइस है। तो जो चाइल्ड टेबल थी वो तो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दी थी, अब मैं ये चाह रहा हूँ पेरेंट टेबल में एक रो बनाई थी जिसमें मैंने एक नेस्टेड टेबल को जिसमें मैंने एक नेस्टेड टेबल को इम्प्लीमेंट किया था। अभी आपको एक और रो क्रिएट करनी है जो पेरेंट टेबल का पार्ट हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाइए आसानी से टी आर में, और टी आर में जाने के बाद एक नॉर्मल एक हम डेटा डिक्लेयर कर देते हैं टी डी के थ्रू। मान लीजिए मैंने एक मैसेज प्रिंट कराना है मुझे, तो लिख देते हैं नेस्टेड टेबल एग्जाम्पल, ये लिखते हैं। ठीक है, तो टी डी में लिखेंगे इसको, नेस्टेड टेबल एग्जाम्पल। इसे क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। क्लियर, सेव कर देंगे इसको। अभी ये प्रोग्राम हम नोटपैड की फाइल में ले जाएंगे, इसको सेव करेंगे और फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो हम देखेंगे इसका जो भी आउटपुट है वो विजिबल होगा आपका। देखिए ज़रा आउटपुट देखिए आप इसका, ये टेबल है हमारी। हम इस पे काम करते हैं, और हम ये काम ये करते हैं कि जो नेस्टेड टेबल है, जो इनर टेबल है, चाइल्ड टेबल है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, तो आपको टेबल क्लियरली विजिबल दिखाई देगी, आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से पार्ट है उसका। ठीक है, पहले तो हम इस टेबल को एग्जीक्यूट कराते हैं नॉर्मली, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा, ये देखिए। ठीक है, सेव कर दिया इसको और आउटपुट देखेंगे इसका, ये देखिए। एक मिनट, ओके, अब देखते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये नेस्टेड टेबल है। अब इसको हम क्या काम करते हैं कि जो आपका इनर टेबल है उसका कलर चेंज कर देते हैं, तो और आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये इनर टेबल है, येलो कलर से मार्क हो रहा है, तो नेस्टेड टेबल का अभी ये एग्जांपल है आपने देखा। ठीक है, इस तरीके से टेबल के अंदर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बीजी कलर इसलिए येलो नेस्ट जो इनर टेबल है उसमें इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चले आउटर टेबल कौन सी है, इनर टेबल कौन सी है, उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। तो स्टूडेंट, ये आज हमारे दोनों टॉपिक थे, कवर हो चुके हैं। ठीक है, एक था आपका हेडर फुटर का कॉन्सेप्ट टेबल में, और सेकंड था हमारा नेस्टेड टेबल। तो अभी आपका एचटीएमएल टेबल कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। एचटीएमएल में टेबल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक टैग है वो है टेबल, टी आर और टी डी। टेबल टैग मेन टैग है, उसके अंदर आपको रो डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसके लिए हम टी आर यूज़ करते हैं, और इनसाइड द टी आर अगर आपको डेटा लिखना है तो आप टी डी टैग यूज़ करेंगे। और इनके एट्रीब्यूट्स भी हैं, टेबल टैग का एक मेन एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। बॉर्डर को विजिबल बनाने के लिए आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर, उसके बाद टेबल हेडिंग है,
टेबल हेडिंग में आपको टी एच यूज़ करना पड़ता है, टी एच, तो नॉर्मल टी डी की जगह अगर हम टी एच यूज़ करेंगे तो हम टेबल का हेडर बना सकते हैं उसका। तो कैसे बनाएंगे, हम टी डी की जगह हम टी एच लिख देंगे, तो उससे क्या एडवांटेज मिलेगा, हम टी डी भी लिखते तो गलत तो होता नहीं। लेकिन देखिए ऐसा है कि अगर आप टी डी की जगह टी एच लिखेंगे तो वो जो डेटा होगा वो सेंटर्ड होगा आपका और आपका बोल्ड होगा, तो क्लियरली लगेगा कि हाँ ये टेबल के कॉलम्स की हेडिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हम टी एच यूज़ करते हैं, टी एच मीन्स टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर नेम और सैलरी मैंने दे दिया, तो इस ऊपर जो नीचे डेटा है जो भी आप नेम देंगे, जैसे एग्जांपल दे रखा था इसमें रमेश रमन और एक एग्जांपल और दे रखा था इस तरह से, तो आपको पता चलेगा ये नेम है, आपको ये पता चलेगा ये सैलरी है, क्योंकि हम सिंपल टेबल बना दें उसमें कॉलम की हेडिंग ना हो तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए आप जनरली ऐसा करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर आपने देखा होगा उसमें भी क्या होता है, उसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा होता है, तो कॉलम्स की हेडिंग दे रखी होती है, अगर हम वो ना लिखें तो पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर। नेक्स्ट है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का। अभी जब आपने टेबल क्रिएट कर लिया और टेबल में आप ये चाहते हैं, ये एट्रीब्यूट पहली तो आप ये समझ लीजिए टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। इनसाइड द टेबल अगर आप ये चाहते हैं, इनसाइड द सेल अगर आप ये चाहते हैं कि सेल का जो कंटेंट है, अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, वट एवर जो भी है, नेम लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, और जो सेल की बाउंड्री है उसके बीच में आप स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं, इनसाइड द सेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। और अगर आपको सेल्स के बीच में स्पेस बढ़ाना, टू डिफरेंट सेल्स हैं, दोनों का अलग अलग अपना डेटा है, हम ये चाह रहे हैं एक सेल और दूसरे सेल के बीच में डिफरेंस हो, बाय डिफॉल्ट डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर आप डिफरेंस बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है, और आपको अगर ये एग्जाम में लिखने को आता है 2 to 3 marks में, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है आपका कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का मतलब सिर्फ इतना है आपको कि अगर आपको रो वाइज डेटा को मर्ज करना है या कॉलम वाइज डेटा को मर्ज करना है तो हम रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और ये एट्रीब्यूट किसके हैं, ये एट्रीब्यूट हैं टी डी के, ठीक है। जहाँ आप डेटा लिखेंगे टी डी में टैग यूज़ करेंगे वहाँ आप रो स्पैन को लिख सकते हैं, कॉल स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। रो वाइज अगर सेल्स को मर्ज करना है तो रो स्पैन, कॉलम वाइज स्पैन, कॉलम वाइज अगर आपको मर्ज करना है तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आपको यूज़ कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम में दोनों का भी यूज़ हो सकता है और ये भी हो सकता है एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही यूज़ हो। हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। मैं इसको कल के वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है समझा है तो उसको वीडियो को जाके देख लीजिए, तो वहाँ डिटेल में इसको समझाया गया है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सुमिता अरोड़ा से, ठीक है, बुक से एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके क्वेश्चंस की, तो एक ही हो गया। नेक्स्ट टेबल बैकग्राउंड। अभी देखिए आपको बैकग्राउंड में, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं टेबल की, या आप बैकग्राउंड में कोई कलर चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड का कलर, वाइट डिफॉल्ट तो वाइट ही होता है, लेकिन आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एट्रीब्यूट का नेम है बीजी कलर। उसको समझने से पहले ये देखिए एक एग्जांपल दे रखा है रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का। तो टी डी के अंदर आप कॉल स्पैन इक्वल टू 3 लिखेंगे, इट मीन्स सिंपल सा ये है कि 3 सेल्स कॉलम वाइज मर्ज हो जाएंगे, और टी डी के अंदर अगर आप लिखेंगे रो स्पैन इक्वल टू 2 तो इट मीन्स रो वाइज 2 सेल्स मर्ज हो जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा इसमें कि जब आप रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, तो जब आपने एक सेल मर्ज कर दिया, ठीक है, तो मान लीजिए आप रो वाइज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जब आपने रो वाइज 2 सेल्स को मर्ज कर दिया तो नेक्स्ट जो रो होगी उसके अंदर आपको एक टी डी कम लिखना पड़ेगा अगर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कॉलम वाइज मर्ज कर रहे हैं तो आपको फिर कॉलम वाइज एक टी डी कम लिखना पड़ेगा अगर आपने टू सेल्स को मर्ज किया कॉलम वाइज, क्योंकि वो तो मर्ज हो गया, तो ये याद रखिएगा। तो बात चली थी टेबल बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड के लिए बेसिकली हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो होता है बीजी कलर और एक होता है बैकग्राउंड, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर आपको कलर चेंज करना है तो बीजी कलर, और अगर आपको इमेज लगानी है पीछे तो आपको बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, बड़ा सिंपल सा है, आप बीजी कलर लिखिए और बीजी कलर लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये कलर का नेम लिख देना है, जो भी कलर का नेम होगा येलो रेड ग्रीन वो लिख दीजिए आप। और एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको बोलते हैं हम बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। टेबल का अगर आपको बॉर्डर भी चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक होता है आपने देखा ही होगा, लेकिन आप कुछ और कलर चाह रहे हैं तो आप फिर बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर।
बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, और बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीजी कलर और बॉर्डर कलर जनरली दोनों एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा असेंशियल नहीं है कि बॉर्डर कलर भी हम यूज़ करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट और बीजी कलर एट्रीब्यूट। इसको जब हम इमेज टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो बैकग्राउंड को इमेज कैसे बनाई जाती है वहाँ हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि टेबल टॉपिक चल रहा है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से बैकग्राउंड में कलर चेंज किया जा सकता है, बैकग्राउंड में इमेज लगाई जा सकती है। याद रखिएगा कलर चेंज करने के लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, हाँ। लेकिन अगर आपको इमेज चाहिए तो आप फिर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो एट्रीब्यूट का नाम है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इक्वल टू जो भी इमेज का नेम है तो वो लिख दीजिए। देखिए इसमें ऐसा है कि अगर आपकी इमेज भी, आपकी इमेज की लोकेशन भी वही है जो आपकी फ़ाइल की लोकेशन है, तो कोई बात ही नहीं, फिर तो दोनों को आप एक ही जगह लिख, तो आप सिर्फ इमेज का नेम लिख दीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी इमेज की लोकेशन अलग है फ़ाइल की लोकेशन से, तो फिर आपको उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है टेबल हाइट एंड विथ। हाइट और विथ को हम चेंज कर सकते हैं टेबल की, जो हमारे पास टेबल होती है तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट और विथ। अभी इसकी जो वैल्यू होती है हाइट और विथ एट्रीब्यूट्स की, जो हम वैल्यू देते हैं वो पिक्सल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का मतलब है टोटल अवेलेबल एरिया, स्क्रीन एरिया उसका परसेंटेज। 50% का मतलब है विथ वाइज टोटल स्क्रीन का 50%। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप परसेंटेज वाइज ही दें डेटा, ठीक है, तो उस तरीके से डेटा दिया जा सकता है। उसके बाद अगर आप ऐसा चाहते हैं कि टेबल की अपनी एक हेडिंग हो, तो कैप्शन एट्रीब्यूट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। याद रखिएगा ये जो कैप्शन एट्रीब्यूट हैं ये हम टेबल टैग के जस्ट आफ्टर लिखते हैं, बिल्कुल उसके बाद लिखते हैं। इसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कैप्शन टैग को कहाँ लिखेंगे। कैप्शन टैग को टेबल टैग के बाद में और TR टैग से जस्ट पहले लिखते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं इन बिटवीन टेबल और TR टैग कैप्शन टैग लिखा जाता है। और कैप्शन टैग का पर्पज़ ये होता है टेबल की एक हेडिंग दे देता है। जैसे आपने एक टेबल बनाई, अब टेबल बनाई है आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, आप उसको नेम देना चाहते हैं कि दिस इज़ द टेबल रिलेटेड टू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये मैसेज आप चाहते हैं टेबल के साथ प्रिंट हो जाए, या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल ये मैसेज प्रिंट हो जाए, तो आप फिर कैप्शन टैग के अंदर वो लिखेंगे, मैसेज लिख देंगे, तो वो मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। आप इसको TR से कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, TS से कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। TS टैग का पर्पज़ होता है टेबल के कॉलम्स की हेडिंग देना, और कैप्शन टैग का पर्पज़ होता है टेबल को नेम देना, किसी टेबल को नेम देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, कैप्शन पहले आएगा और उसके बाद आपका TR आएगा, और TR के अंदर अगर आपको टेबल की हेडिंग देनी तो आप TS यूज़ करेंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट साइज के बाद आपका टेबल हेडर बॉडी और फुटर। तो ये तो अभी हमने आपको समझाया ही था किस तरीके से काम करता है हेडर फुटर बॉडी, इसको तो आज डिटेल में समझाया हमने आपको, ठीक है। तो टेबल का अगर आप हेडर बनाना चाहते हैं, फुटर बनाना चाहते हैं, और टेबल का अपना ही कंटेंट है जो टी बॉडी के अंदर शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए टी बॉडी एट्रीब्यूट है आपका। बस ये याद रखिएगा टी हेड, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने कई बार रिपीट किया है, और जब मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी हेड और टी बॉडी, टी हेड और टी फुट हमेशा टी बॉडी एट्रीब्यूट से, टी बॉडी टैग से पहले अपीयर होंगे, याद रखिएगा। टी हेड और टी फुट टैग टी बॉडी से पहले आएंगे, ठीक है। और जनरली टी हेड और टी फुट में हम कॉलेज पेन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं कॉलम्स वाइज सेल्स को मर्ज करने के लिए। ये सिर्फ हेडर और फुटर बनाते हैं, बाकी तो टेबल में जैसे हम TR और TD लिखते हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं। बस हमने क्या कर दिया कि टेबल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर एक हेडर है, एक फुटर है और एक टी बॉडी है, इन तीनों में ही आपके TR और TD आएंगे। तो जब आप टी हेड और टी फुट लिखें तो उसके अंदर जब TD लिखेंगे तो वहाँ जनरली हम कॉलेज पेन एट्रीब्यूट का यूज़ करके सेल्स कॉलम वाइज सेल्स को मर्ज करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल था आज ही समझाया था ये अभी थोड़ी देर पहले। और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा था टेबल का, वो क्या था, वो था हमारा नेस्ट टेबल। तो नेस्ट टेबल आप जानती हैं, टेबल इनसाइड ए टेबल, टेबल के अंदर अगर आपको टेबल बनानी है तो आप नेस्ट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये मतलब इसका कोई अलग से टैग नहीं है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप नॉर्मली क्या करेंगे कि आप एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के अंदर हम
टी डी टेक के अंदर एक और टेबल क्रिएट कर देंगे, तो वो क्या होगा, टेबल इनसाइड ए टेबल क्रिएट हो जाएगी, नेस्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से नेस्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक एग्जांपल था, ये मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया भी था। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो, टेबल कम्प्लीट हो चुका है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा, स्पेशली रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बुक में दे रखे हैं, उनको एक्सरसाइज को क्वेश्चन को कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।